constitution की क्लासिफिकेशन क्या है इस ज़मन में एक बड़े रेनाउंड प्रोफेसर ऑफ लॉ हैं रिसर्चर हैं जूरिस्ट हैं उनका नाम है केसी वियर उनकी जरा डेफिनेशन देख लेते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं एक नए एंगल से वो बात करेंगे सवाल ये पैदा होता है कि इतनी डेफिनेशंस हम क्यों पढ़ते हैं एक ही टॉपिक के बारे में तो गुजारिश इसमें यह है कि नो डेफिनेशन फाइनल डेफिनेशन अगर स्टैचूट ने स्टैचूटरी डेफिनेशन यानी लेजिस्लेचर ने कोई चीज डिफाइन कर दी है तो फिर वो फाइनल डेफिनेशन है फिर हम इधर उधर नहीं जा सकते लेकिन अगर फिलासफर्स डेफिनेशन बना रहे हैं तो जितने मर्जी फिलासफ़र जिस मर्जी एंगल से बनाते रहें नो प्रॉब्लम वेलकम रिसर्च का एंगल है तो बढ़ते रहना चाहिए रिसर्च को नो no प्रॉब्लम तो डेफिनेशन इसलिए पढ़ाई जाती हैं कि आप मुख्तल जो अंदाज हैं तरीक़े हैं सोचने के पहलू हैं उससे रूशनाश हो सके केसी वियर स्टेट्स सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री तो कॉन्स्टिट्यूशन को वो क्या कह रहा है ये तो सिस्टम है जिसके तहत कोई मुल्क चलता है द कलेक्शन ऑफ रूल्स कि जिसमें रूल्स को इकट्ठा किया है और दैट विच एस्टैब्लिश एंड रेगुलेट और गवर्न द गवर्नमेंट इसका मतलब है कि जो रूल्स हैं उससे फिर वो गवर्नमेंट चलाई जाती है तो ये कैसी व डेफिनेशन है प्रोफेसर वियर डिफाइंस एंड आइडेंटिफाइज द फॉलोइंग टू मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पहली जो क्लासिफिकेशन है वो ये है कि रिटर्न एंड अनिटर्न दूसरी जो है रेजिड एंड फ्लेक्सीबल आइए देखते हैं कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है रिटर्न से मुराद लोग ये लेते हैं कि वो जो लिखा हुआ हो उसे रिटर्न कहते हैं और अनरिटन से मुराद ये लेते हैं कि वो जो लिखा ना हो उसे अनरिटन कहते हैं तो यहाँ पर ये बात नहीं है यहाँ पर एंगल कुछ डिफरेंट है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन उसे कहते हैं जो कि एक डॉक्यूमेंट में कंटेन्ड हो स्कैटर्ड ना हो मुख, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स में जैसे इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि वो वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में डेवलप हुआ है और एक डॉक्यूमेंट में नहीं है स्कैटर्ड है जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डॉक्यूमेंट में मौजूद है जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इस तरह के और जो कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट में कंटेन्ड हैं उन्हें रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और जो स्कैटर्ड हैं मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स में उन्हें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं सवाल ये है कि दुनिया में सबसे पहले तो अनरिटन ही रहा कॉन्स्टिट्यूशन बाद में रिटर्न पर आया तो कोई ना कोई बेनिफिट्स होंगे डियर स्टूडेंट्स जो पर्पज है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है कि असूल बनाए जाएं जिसके तहत गवर्नमेंट चले अल्ट्रावाइज गवर्नमेंट एक्शंस मत करे यानी बियॉन्ड द लिमिट्स मत जाए बियॉन्ड द पावर्स मत जाए और इसके अलावा जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पर्पज़ है वो ये है कि जो हैं उनके फंडामेंटल राइट्स एक जगह पर लिख दिए जाए और उनको हर सूरत गवर्नमेंट जो है वो फॉलो करे और लोगों को अवेलेबल करे उसके लिए मैकेनिज्म जो है वो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में ही सिर्फ बनता है इसके अलावा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मकसद ये है कि जो तीन ऑर्गन ऑफ स्टेट हैं जैसे लेजिस्लेचर एग्जैक्टिव, जुडिशरी इनकी पावर्स डिटर्मिन की जाए और इनके ऊपर सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल लगाया जाए ताकि चेक एंड बैलेंस क्रिएट किया जा सके डियर स्टूडेंट्स ट्स मूव ऑन टू रेजिड एंड फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो है कि जिसके अंदर तब्दीली आसानी से लाई ना जा सके उसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेजिड कॉन्स्टिट्यूशन है आसानी से इसमें तब्दीली नहीं लाई जा सकती अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है और डियर स्टूडेंट्स एक स्पेशल प्रोसीजर दिया जाता है ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में कि जब उसे रिजिड बनाया जाता है कि इसको फॉलो करें तो वो जो प्रोसेस है वो बहुत डिफिकल्ट और कंबरसम सम होता है तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो आसानी से अमेंड ना हो सके उसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो आसानी से अमेंड हो जाए उसे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन्स हैं जो रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड हैं और जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी के मुतल बताती हैं अ प्रेजिडेंट नॉट डिफेंड अ नेशन ही इज नॉट हेल्ड अकाउंटेबल टू इट्स लॉज इतनी खूबसूरत बात है कि एक मुल्क का प्रेजिडेंट अपनी नेशन को डिफेंड नहीं कर सकता अगर वो खुद कानून के ताबे नहीं है दिस इज रूल ऑफ लॉ नेक्स्ट कोटेशन कहती है इन क्वेश्चन ऑफ पावर लेट नो मोर बी हर्ड ऑफ कॉन्फिडेंस इन मैन बट बाइंड डाउन फ्राम मिस चीफ बाई द चेंज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थॉमस जैफरसन यहाँ पर यह बात की जा रही है कि अगर आप पावर्स के मुतलक सवाल करते हैं और उसको कंट्रोल करने के मुतलक सवाल करते हैं तो सीधी सीधी बात है कि अगर आप किसी को गलतियों से बचाना चाहते हैं और वह मुल्क को चलाने के ज़िम्मेदार लोग हैं तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल Principles. I hope you have understood the topic. Thank you very much.